नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर हम सफर मिलते रहे और कारवां बनता रहा। तो आज गुड इवनिंग इंडिया पर मेरी हम सफर हैं शिवांगी परमार। शिवांगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सत्यप्रिया जी, इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कई सारे कलाकार हुए हैं, फनकार हुए हैं, अदाकार हुए हैं, जिन्होंने हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को न केवल संजोए रखा है, बल्कि उसके प्रचार प्रसार को करके उस हमारी कला को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाई है। और हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि इन कलाकारों से हम आपका परिचय कराते रहें। जी, और इसी उद्देश्य से हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं आज की हमारी विशेष मेहमान कथक रत्न डॉक्टर शांभवी शुक्ला जी का। शांभवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शांभवी जी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे आपके जीवन के कुछ अंश। शांभवी जी, कथक नृत्य की अगर बात करें तो आपकी अपनी एक शैली है, आपका अपना एक विशिष्ट शैली अगर देखा जाए तो है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपने इस विशिष्टता, इस विशिष्ट शैली का उद्भव किया। सर्वप्रथम इसमें जिस चीज़ का योगदान है वो है आपके गुरुओं की तालीम। गुरु के अंतर्गत आपके माता पिता और आपके कथक नृत्य के, मेरे जो कथक नृत्य के गुरु हैं वे तो आते ही हैं, पंडित राजेंद्र गंगानी जी और पंडित प्रेम नारायण गुरु जी। इन्होंने जो मुझे तालीम प्रदान की और उसमें उस तालीम को जज्ब करते हुए, रियाज करते हुए, हर अच्छे कलाकार की अपनी एक शैली बनती है। और उसमें मेरा ध्यान इस बात पर हमेशा से रहा कि कला के दो पक्ष होते हैं, एक कथ्य और शिल्प। मेरा हमेशा से ये इस बात पर सोचना रहा कि मेरे नृत्य शैली का कथ्य और शिल्प दोनों ही जो है उन्नत होते रहें, क्योंकि कला अपनी एक व्यक्तिक, एक कला के माध्यम से आप अपनी एक व्यक्तिक पहचान बनाते हैं। तो यही मेरे ध्यान में रहा, और उस रियाज के साथ चिंतन जो है वो आपके कला में एक अलग बात पैदा कर पाता है। जी शांभवी जी, बहुत जल्दी आपने एक बहुत लंबी दूरी तय कर ली है, और आपने गुरु के बारे में बताया कि उनका आपके नृत्य शैली में कितना बड़ा योगदान रहा है। जी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर सफल व्यक्ति के पीछे उसके परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। मेरे पिता श्री मुन्ना शुक्ला जी, जो कि सागर मध्य प्रदेश के निवासी हैं, वो एक राष्ट्रीय स्तर के लेखक हैं और चिंतक हैं। ही इज़ आर्ट क्रिटिक एंड अ राइटर। माय मदर डॉक्टर कविता शुक्ला, ही इज़ आल्सो अ कल्चरल एक्टिविस्ट। और मेरे माता पिता ने घर में ऐसा माहौल दिया जिसमें साहित्य और संगीत दोनों को ही हम लोग जज्ब करवाए, मैं और मेरे भाई सिद्धार्थ शंकर शुक्ला, जो स्वयं एक अच्छे सितार वादक हैं, और उनकी सितार वादन की तालीम मैहर के पंडित संजय गुहा जी से संपन्न हुई। तो पारिवारिक माहौल बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से संगीत की हम बात जब करें तो। हालांकि हमारा परिवार में प्रोफेशनली म्यूज़िक को नहीं लिया गया था कभी, मैंने ही पहली बार प्रोफेशनली म्यूज़िक को लिया, बट जब ये माहौल हो, संगीत की बातें हों, और सबसे महत्वपूर्ण है कि संगीत का संस्कार, गुरुओं से बात करने की तहजीब, क्योंकि संगीत में तहजीब बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, वो ना हो तो संगीत नहीं हो सकता। तो वो माता पिता ने दी, और मेरे विवाह पश्चात भी मेरे ससुराल पक्ष में मेरे ससुर जी पंडित श्यामनाथ मिश्रा जी, मेरी माँ श्रीमती कुमुद मिश्रा जी, हमेशा वो लोग मुझे सिर्फ एक बात के लिए प्रेरित करते हैं, रियाज करो। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। काफ़ी खुशकिस्मत रही आप। जी, ईश्वर कृपा।
तो बहुत लंबी दूरी तय कर ली, जैसा कि मैंने कहा, तो कैसा रहा इतने सालों का सफर जो आपने तय किया है? क्या कहूँ संघर्ष है, संघर्ष है, काफ़ी संघर्ष है। और उसमें तो हम लोग जो कलाकार होते हैं वो लगातार लगे ही रहते हैं, क्योंकि कला में ऊंचाइयां प्राप्त करना तो ध्येय नहीं है, पर कला में डूबना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो कला में आप इस तरह से डूबें कि जहाँ इसके दोनों पक्षों की अगर बात करें, एक तरफ परफॉर्मेंस है, दूसरी तरफ है अनुसंधान, आपने दोनों ही पक्षों में अगर देखा जाए तो एक तरह से महारत हासिल की। तो आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं तो अनुसंधान की तरफ आपका रुझान नहीं होता, या अनुसंधान करते हैं तो परफॉर्मेंस की तरफ आपका रुझान नहीं होता, लेकिन आपने ये दोनों संभव कर दिखाए। फोकस्ड लाइफ स्टाइल, यू हैव टू वेरी स्ट्रिक्ट, आपको अपना रूटीन जो है बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, और अपनी अपनी रुचि बोध है। तो मेरी रुचि हमेशा से संस्कृत में भी रही, इसलिए मैंने कथक और नाट्य शास्त्र के अंतर संबंध पर भी काम किया है, और बुंदेलखंड के कवियों पर भी मेरा कार्य चल रहा है। बिल्कुल। जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की फेलोशिप मुझे मिली हुई है। तो सर्वप्रथम तो रुचि और जिज्ञासा, क्योंकि जैसे कि मैंने कथ्य और शिल्प की बात की थी कि संगीत कथक में साहित्य और संगीत दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपकी नृत्य प्रस्तुति में आपका संगीत उम्दा होगा और साहित्य उच्च स्तर का होगा तो आपकी प्रस्तुति निखरेगी। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए अनुसंधान की आवश्यकता है। बिल्कुल। क्या यही कारण रहा कि बुंदेलखंड के कवियों पर आपने सर्वप्रथम अपनी नाट्य प्रस्तुति दी? कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की अगर हम लिटरेचर की बात करें, साहित्य की बात करें, तो बहुत ही रिच लिटरेचर है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा था, आप उसे मंच पर वापस लेकर आए। मेरा प्रयास रहा, क्योंकि मैं बुंदेलखंड की बेटी हूँ जी, वो मेरा जन्म स्थान है सागर, मध्य प्रदेश। तो बुंदेलखंड के कवियों पर करना, नृत्य करना, ये मुझे बहुत ही रुचिकर लगा, क्योंकि जब महाकवि ईसुरी की रचनाएं पढ़ी, और महाकवि पद्माकर वो तो सागर में ही जन्मे। बिल्कुल। और उनकी जो काव्य शैली है वो अनूठी है, उनकी काव्य रचनाएं तो विश्व प्रसिद्ध हैं ही, साथ ही ईसुरी हैं जिनकी रचनाओं पर मैंने कथक प्रस्तुति दी जी। कुछ तो बोल, क्योंकि बुंदेल सुन सकते हैं आपसे क्योंकि बहुत ही खूबसूरत एक प्रसंग है जो हमारे दर्शक भी इसको पसंद करेंगे, कि जब राधा जी कृष्ण को, राधा का श्रृंगार करती हैं, राधा बनाती हैं कृष्ण को, उसी पर महाकवि ईसुरी ने लिखा है, सारी चोर बोर कर डारी, कर डारी गिरधारी, गिरधारी पकरन के काजे, जुर आई सखियां सारी, नारी भेस करो मोहन को, पहनाई तन सारी। वाह, ऐसे करके ये पद चलता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो जैसा कि देखा भी जाता है मैम, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है लोग इतना नहीं समझ पाते हैं, इतना रुझान नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से आप उसको एक आपने नाट्य को और कवि उसको लेकर एक नया रूप आपने प्रस्तुत किया है, और न केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व भर में आपने कई सारे शोज किए हैं, तो उन लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, क्या प्रतिक्रिया रहती है? भारतीय विद्या भवन लंदन में जब नृत्य प्रस्तुति हुई जी, तो मेरा ये अनुभव है कि वहाँ जो भी मैंने कहा हिंदी में, इंग्लिश में, उससे ज़्यादा दर्शकों तक वो पहुँचा जो मैंने नृत्य के द्वारा किया। शायद इसी को कहते हैं कि कलाकार का सबसे ज़्यादा सक्षम माध्यम जो है उसकी कला ही है, भाषा बैरियर नहीं होता जी। तो बहुत अच्छे से लिया दर्शकों ने वहाँ पर, और भी जितनी भी जगह परफॉर्मेंसेस हुए, क्योंकि देश, हमारे देश की मिट्टी पर करना तो इट्स अ प्रिविलेज, इट्स अ प्लेजर, कि जहाँ पर लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अगर समझदार व्यक्ति बैठा है तो उसके सामने प्रस्तुति करने का एक अलग आनंद होता है। तो बाहर भी बहुत अच्छे से हमारे शास्त्रीय कलाओं को जो है, संस्कृत को
और हमारी संस्कृति को मुझे लगता है कई बार बहुत ज़्यादा अच्छे से लिया जाता है, देखा जाता है, कई बार हमारे देश में उतने अच्छे से नहीं लिया जा रहा है, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे भी हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका मन किया हो कि आप बहुत अच्छी राइटर भी हैं, काफ़ी अच्छा बोलती भी, डांस भी अच्छा करती हैं, कि बॉलीवुड से कभी आपके पास आए हों ऑफर्स, या कभी आपका जाने का मन किया? जी ऑफर्स तो आए, बट क्योंकि हम लोग शास्त्रीय और अपन कलाओं के व्यक्ति हैं, तो जो माहौल होता है मुझे लगा कि शायद मैं उसमें फिट ना बैठूं, तो मुझे उतना वो रुचिकर नहीं लगा। मुझे लगा कि मैं अपनी, हमारी जो सांस्कृतिक माहौल है, हमारी संस्कृति है, उसको ही लेकर युवाओं तक पहुंचाएं, ये ध्येय रहा, तो इसलिए जो है कभी बॉलीवुड का क्रेज़ नहीं हुआ। अभी शिवांगी ने जैसे जिक्र किया, आपने किताबें भी लिखी हैं, तो आपने एक पुस्तक लिखी है कथक विनियोग, इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों के साथ कुछ साझा कर सकें। कथक विनियोग जो है मेरे इतने वर्षों का जो अनुभव है, उसके कुछ अंश मैंने उस किताब में लिए हैं, जैसे कथक और नाट्यशास्त्र का अंतर संबंध, उस पर कुछ चर्चा है उसमें, कथक और रास के अंतर संबंध पर चर्चा है, और कथक के आंचलिक तत्व और लोक तत्व, इस विषय पर भी उस किताब में चर्चा है, और हमारे घराने के, जयपुर घराने के विद्वानों का समकालीन कथक परिदृश्य में क्या प्रभाव रहा, इस पर भी चर्चा है। अच्छा, अभी आपने जयपुर घराने का जिक्र किया, तो आप जयपुर घराना और बनारस घराना दोनों से संबंध रखती हैं, तो कैसे इन दोनों घरानों का जो प्रभाव है वो आपकी नृत्य शैली पर नजर आता है? जी, मेरी प्रारंभिक तालीम पंडित प्रेम नारायण गुरु जी से हुई, जी। सागर मध्य प्रदेश में, जो कि बनारस घराने से संबंध रखते हैं, उनकी तालीम बनारस घराने में संपन्न हुई, तो मेरी प्रारंभिक तालीम जो हुई और वो बहुत सघन हुई। उसके पश्चात मैं जब आई वॉज इन क्लास 10th, तब हम आए पंडित राजेंद्र गंगानी जी के पास और उनकी मैं घंटाबंद शागिर्द बनी। दोनों का एक अपना एक आंगिक वैशिष्ट्य है, और दोनों घरानों के उस आंगिक वैशिष्ट्य को मैं प्रयास करती हूँ कि अपने नृत्य में रखूँ, और इस शायद इसके ही कारण आपने जैसा कि कहा था प्रारंभ में कि आपकी एक अपनी नृत्य शैली दिखती है, जी। वो इन्हीं के सम्मिश्रण के कारण जो है दोनों घरानों की तालीम जो हमारे दर्शक नहीं समझ पाते हैं, हर नृत्य फॉर्म, डांस फॉर्म्स जो होते हैं उनकी अलग अलग शैली होती है, अलग घराना होता है, तो इनमें क्या, इनमें क्या रहता है, इनमें क्या डिफरेंस रहता है, किस तरीके से उनको पहचान सकते हैं? बड़ा गहन और यक्ष प्रश्न है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, बट मैंने जैसे कहा कि आंगिक अभिव्यक्ति जी के बहुत सारे चरण होते हैं, और आंगिक अभिव्यक्ति में और हर घराने का अपना वैशिष्ट है। जैसे जयपुर में हम लोग सिरप करते हैं या कवच लेते हैं, तो ये सारा अंग जयपुर का अंग है, अलग अलग तालों को प्रस्तुति करना, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं, वो अगर जी। हम बात करेंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। ऐसी विशेषता हैं, हर घराने की अपनी एक विशेषता है, तो उन विशेषताओं से जो है आप उन विशेषताओं को ग्रहण करके अपने तालीम के द्वारा, अपने रियाज के द्वारा उसको परिपक्व करके जब मंच पर प्रस्तुत करते हैं तो वो एक अलग रंग लाती है प्रस्तुति। बिल्कुल शांभवी जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में कथक की अगर हम बात करें तो एकल कथक की प्रस्तुतियां जो हैं वो काफ़ी कम होती हुई नज़र आती हैं, क्या कारण देखती हैं इसके पीछे? ज़्यादातर हम देखते हैं कि कोरियोग्राफीज हैं, और दूसरा एक और पक्ष जो है वो ये है कि लाइव सजीव गायकों और कथक नृत्यकारों के, इन दोनों के बीच का जो एक संगत है वो भी नज़र नहीं आता जब रिकॉर्डेड म्यूज़िक होता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, और इसके लिए हम सभी जो कथक नृत्यांगनाएं हैं वो इस चीज़ को सोचकर विचारमग्न हैं और इस पर विमर्श कर रहे हैं कि कथक का मूल स्वरूप उसके एकल प्रदर्शन में है, तो उसको संजोए रखना, बनाए रखना हम सबका दायित्व है,
हम जितने भी कलाकार हैं उन सबका दायित्व है, और इसके लिए हम लोग जितने भी गुरु हैं और हम सब लोग हैं ये प्रयास कर रहे हैं कि एकल नृत्य की प्रस्तुतियां जो हैं उनको बढ़ावा दिया जाए जी। और उसका एक दूसरा कारण यह भी है कि कलाकारों में वो विशिष्ट बात होनी चाहिए कि वो एक व्यक्ति जो है 2 घंटे तक आपको बांध कर रख सके। बिल्कुल, उसके लिए बहुत गहन साधना लगती है जो कि आज के युवा वर्ग में जब हम लोग सिखाते हैं तो शिष्यों में उसकी कमी नज़र आती है जी। हमारे पास आपकी नृत्य की कुछ झलकियां हैं जो हम आप और हमारे दर्शक मिलकर देखना चाहेंगे जी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। शांभवी जी, आपने लगभग 10 साल तक बुंदेलखंड में बच्चों को निशुल्क कथक सिखाया है, क्या विचार था इसके पीछे? कथक की तालीम के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, तो मैं ये चाहती थी कि बुंदेलखंड की बेटियों को, और अकेली बेटियों को नहीं बेटों को भी, ये अवसर मिले कि आधुनिक जो तकनीक विकसित हुई है दिल्ली में, जो हमारे गुरुजनों ने जो हम लोग को प्रदान की है, वो हम बांट सकें। और विद्या दान सबसे बड़ा दान होता है, तो उसी उद्देश्य से मैंने जो है बुंदेलखंड में कथक नृत्य की शिक्षा का प्रचार और कथक नृत्य का प्रचार प्रसार करने का सोचा। तो जिन शिष्यों को आपने पढ़ाया, जिन शिष्यों को आपने सिखाया, क्या आज वो अपनी प्रस्तुतियां भी दे रहे हैं? जी, वो प्रस्तुतियां दे रहे हैं, वो मास्टर्स कर चुके हैं और अलग अलग जगह अपना अच्छा काम कर रहे हैं जी। जी, आपने बात की मैम, कई बार जिक्र आया कि आपने अपने गुरुओं को श्रेय दिया है जिस लेवल पर आप हैं, अब आप उस जगह पर पहुंच गए हैं कि आप अपनी कला को आप आगे उसका प्रचार प्रसार कर पाए नए बच्चों की तरह, लेकिन जब उनको देखते हैं तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न डांस फॉर्म्स हैं उनका प्रभाव कुछ ज़्यादा पड़ रहा है, तो क्या लगता है आपको कि उन डांस फॉर्म से निकालने के लिए बच्चे हमारे इंडियन कल्चर को अपनाएं, उन डांस फॉर्म्स को आगे लेकर जाएं? फिर से वही बात आती है जो आपने मुझसे पहला प्रश्न किया था, हम सबका दायित्व बनता है बिल्कुल माहौल बनाने का। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है दुनिया में, संस्कृत और संस्कृति कलाएं इंसान को बेहतर मनुष्य बनाती हैं, वो उसके लिए एक बड़ी अच्छी पंक्ति भर्तृहरि ने कही है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विहीना तो ये सब बातें हैं, तो इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम अच्छा माहौल बनाकर रखें, अच्छे साहित्य को पढ़ें, अच्छे संगीत को अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को उन प्रदान कर सकें। शायद यही कारण है कि आपको बुंदेलखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। जी कैसे हुई इसकी शुरुआत? शायद जो आपने बोला कि मेरे कार्यों को देखते हुए उनको ये लगा कि ये पद हमारे लिए उपयुक्त है, तो उन्होंने ये प्रदान किया। बिल्कुल बखूबी आप अपने दायित्वों का निर्वाह बहुत अच्छे से कर रही हैं।
जी काफी सारी बातें हुई मैम से, बिल्कुल बहुत अच्छा, और आपने बहुत सारे मुकामों को हासिल किया है, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप नित नए मुकामों को हासिल करें, और जो भी आप ऊंचाइयों को छूना चाहें आप जरूर छुएं। शांभवी जी, आप यहाँ आई, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, नमस्कार। तो कला की दुनिया से अब आपको ले चलते हैं रंगमंच की दुनिया में, और आइए आपको अब ले चलें रंगमंच के कुंभ यानी कि भारतीय रंग महोत्सव में। देखें क्या हो रहा है भारतीय रंग महोत्सव में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित ये 20वां भारत रंग महोत्सव है। ये सिर्फ राष्ट्रीय रंग महोत्सव नहीं है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव है, जो 1 फरवरी से आरंभ होकर के 21 फरवरी तक की दिल्ली में चल रहा है। हमने सिर्फ इसको दिल्ली तक ही केंद्रित नहीं किया है, 5 अन्य राज्यों में भी हम इसको लेकर के गए, जिसमें से बनारस है, रांची है, डिब्रूगढ़ है, आपका मैसूर है और आपका राजकोट है। हमने 5 स्टेट कवर किया है। इन स्टेटों में इसलिए इन शहरों को हमने चुना है कि वहाँ पर रंगमंच तो है लेकिन उतना सक्रिय नहीं है। इन प्रस्तुतियों के साथ, इन समारोह के साथ वहाँ का रंगमंच थोड़ा तकनीकी दृष्टि से और ज़्यादा सशक्त हो सके, वहाँ के रंगकर्मी नए नए कथ्यों को देख सकें, नए नए प्लॉट्स को जान सकें और अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस देख सकें। इस समझ से इस समारोह का आयोजन विभिन्न राज्यों में किया गया है। ये सिर्फ राज्यों का ही या नाटकों का ही समारोह नहीं है, इसमें पठन पाठन का भी कार्य है। हम यहाँ पे सेमिनार कर रहे हैं, मीट द मास्टर्स कर रहे हैं, इंटरफेस कर रहे हैं, और आपका बहुत बड़े सम्मानित कुछ कलाकारों को भी यहाँ बुला करके उनका भी इंटरेक्शन रख रहे हैं। इसके साथ ही हमने थिएटर बाज़ार का आयोजन किया है, जिसके अंदर हमने रंगमंच से संबंधित जैसे प्रकाश है, मेकअप है, कॉस्ट्यूम्स हैं, ज्वेलरी है, और उसके साथ साथ खान पान का भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि 111 नाटक हम इस पूरे समारोह में लेकर के आए हैं, जिसमें से 15 हमारे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विदेशी नाटक हैं, और अलग अलग किस्म के नाटक हैं, अलग अलग शैली के नाटक हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोक प्रस्तुतियों को भी हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। वो कुछ ऐसी लोक प्रस्तुतियां हैं जो इससे पूर्व दिल्ली में कभी भी नहीं आमंत्रित की गई थी या उन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति का प्रदर्शन नहीं किया था। ये नाट्य समारोह इसलिए हिंदुस्तान में मशहूर है और इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसके अंदर विविध भाषाओं के नाटक एक साथ दर्शकों को देखने को मिलता है। মধ্যাহ্নে ভোজন করবে, সন্ধ্যায় আরতি, রাতে আহার বিশ্রাম। আমরা অতিথির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি লাখন, তাই তো আশ্রমের নাম দিয়েছি সবরমতী আশ্রম। কচিত আছে এখানে আগে অগস্ত মুনির আশ্রম ছিল। যাও তোমরা লাখনকে ভেতরে নিয়ে যাও। इस बार जैसे कि गांधीजी के 150वीं जयंती है, हमने इसको भी ध्यान में रखते हुए 5 नाटक हमने गांधी जी से संबंधित, उनकी विचारधारा, उनकी जो फिलॉसफी है उससे संबंधित नाटकों को भी इसमें जगह दी है, और बहुत ही पारदर्शी रूप से ये कार्य किया गया है, और उन अच्छे नाटकों को एक साथ दिल्ली के दर्शकों के साथ साथ राज्यों में भी हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं। भारत रंग महोत्सव नाटकों का एक फेस्टिवल है, एक समारोह है, और इस वक्त ये सिर्फ भारतवर्ष का ही नहीं, एशिया का लगभग सबसे बड़ा
ड्रामा फेस्टिवल है। इसमें जो है करीब 112 नाटक होंगे जिसका कि आनंद लाखों दर्शक इन 6 शहरों में लेंगे। रंगमंच का मेला है और बहुत मज़ा आ रहा है। पिछली बार से ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस है। मैं हर बार इस रंग महोत्सव में पहुंचता हूं तो तकरीबन देश विदेश के काफ़ी सारे नाटकों का मंचन होता है जिसमें हमारी नई प्रतिभाएं हैं, नए ग्रुप्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनके पास में साधनों की कमी है, तो वो सब दूसरे के नाटक देखते हैं, दूसरे ग्रुप्स के नाटक देखते हैं, तो देखकर उनको अच्छा लगता है और अपने ग्रुप में भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। और रहा सवाल दर्शकों का, तो दर्शक भी यहाँ आते हैं और अच्छा प्लेटफॉर्म है भारत रंग महोत्सव का ये, तो जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक दूसरे को देखने का मौका मिलता है। तो शांभवी, क्या आप भारत रंग महोत्सव में गई हैं अभी तक? अभी तक तो नहीं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद अब मैं जरूर जाना चाहूंगी। बिल्कुल, तो आप और हमारे दर्शक, आप दोनों मिलकर भारत रंग महोत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। भारत रंग महोत्सव, आपको बता दें कि 1 से 21 फरवरी तक दिल्ली में और कई और शहरों में भी कई नाटकों का इसके तहत मंचन हो रहा है, तो आप सभी इसका हिस्सा जरूर बने। और क्योंकि अब हम रंगमंच की दुनिया में पहुंच ही गए हैं, तो चाहेंगे कि रंगमंच की दुनिया से ही एक ऐसे अदाकार को, एक ऐसे कलाकार को आपके सामने लेकर आएं जिनके योगदान ने रंगमंच की दुनिया को, थिएटर की दुनिया को एक बहुत ही बड़ा मकाम हासिल कराया है। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं थिएटर डायरेक्टर एंड एक्टर रवि तनेजा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका बहुत। आपसे कई सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले दर्शकों को दिखाते हैं हम हमेशा आपके जीवन के कुछ अंश, और उसी से हम शुरुआत करना चाहेंगे। रवि जी, सभी लोग आपको आपके निर्भीक अंदाज, बेबाक जो आपका अंदाज है, और थिएटर के लिए जो आपका पैशन है उसके लिए जानते हैं। आपने 100 से अधिक प्लेज में काम किया है, प्लस आपने निर्देशन भी किया है, और 35 साल से आप रंगमंच के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन 35 सालों के अगर सफ़र पर आप नज़र डालें तो क्या पाते हैं? अगर मैं थिएटर नहीं करता तो शायद आज यहाँ जिंदा नहीं होता। थिएटर ने ही मुझे ज़िंदगी को सीखना सिखाया है। ज़िंदगी को मैंने जो समझा है वो थिएटर के जरूर सीखा। थिएटर, मेरा ही भी मानना है कि आने वाली पीढ़ी को भी मैं कहता हूँ कि थिएटर एक ऐसा जरिया है जो इंसान को पहचानने में, लाइफ को पहचानने में बहुत मदद करता है। तो मेरे को थिएटर ने बहुत कुछ दिया है। मैं शायद उस मुकाम पर ना होता अगर मैं थिएटर नहीं कर रहा होता। मैं भी शाम को कहीं पार्क में बैठा होता, जुआ खेल रहा होता, ताश खेल रहा होता, शराब पी रहा होता, अपने समय को ऐसे काट रहा होता। लेकिन मैं थैंक्स देता हूँ थिएटर को और अपने गुरुजनों को जिन्होंने मुझे ये राह दिखाई। सर, आपने थिएटर में एक पूरा दौर देखा है, काफ़ी लंबा वक्त है, तो इस दौर में कई सारे बदलाव आए हैं, स्पेशली रंगमंच की दुनिया में। और जब भी हम टीवी या बॉलीवुड की बात करते हैं तो हर तरफ से एक्टिंग में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, और उन बदलावों के आप साक्षी बने हैं। तो क्या लगता है कि अब बेहतर हो रहा है, या जो चीज़ पुरानी चीज़ें थी हमें उनको वापस लेकर आना चाहिए? नहीं, जिस तरह अगर हम बाकी चीज़ों को देखें तो थिएटर में बदलाव तो बहुत है, और बदलाव हमेशा अच्छे के लिए ही होता है जी।
कमर्शियल ज़्यादा हुआ है आजकल, लेकिन अगर हम देखें कमर्शियल पहले भी बहुत था। अगर हम सप्रू हाउस की बात करें, एक टाइम पे दिल्ली के अंदर सप्रू हाउस थिएटर इतना चला करता था कि 30 रुपये की टिकट 300 रुपये की ब्लैक मैंने लेके देखी। आज वो दौर नहीं है, लेकिन आज जो मीडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है। इवन हम लोग देखते हैं थिएटर के अंदर भी मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम फुटेज इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइटिंग का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, कुछ डिजिटल लाइटिंग इस्तेमाल हो गई, लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं बदल सकती वो है इमोशन। भाव का खेल है थिएटर, नाटक भाव का ही है। वो चाहे आज 50 साल पहले देखें या 100 साल पहले देखें या आज के दौर में देखें, अगर भाव नहीं है तो नाटक नहीं है। ये बाकी चीज़ें सपोर्ट कर सकती हैं, जितना भी टेक्निकल चीज़ें आजकल इतनी स्ट्रांग हुई हैं वो सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन भाव का रूप कभी नहीं ले सकती। भाव जहाँ है नाटक वहीं है। शायद इसीलिए सर आजकल प्राथमिकता दी जा रही है थिएटर एक्टर्स को। बकायदा बॉलीवुड में भी जो एक्टर्स हैं उनको कहा जाता है कि आप थिएटर से प्रशिक्षण लेकर आइए, उसके बाद उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। उसका कारण यही है, देखिए पहली सीढ़ी तो यही है थिएटर। परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर जब आप दूसरी मीडिया में जाएंगे तो थिएटर पहली सीढ़ी है जो आपको खड़ा होना सिखाता है, किसी बात को फेस करना सिखाता है। और जो थिएटर में आप एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो आपको सहायक होते हैं जाके, अगर दूसरे मीडिया में जा रहे हैं, आप टीवी में जा रहे हैं या फिल्म में जा रहे हैं, वो आपको सहायक होते हैं, क्योंकि जो भाव का प्रदर्शन करना है वो थिएटर ही सिखाता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थिएटर सीढ़ी इस्तेमाल करनी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कितने कामयाब जो एक्टर हमारे आज फिल्म इंडस्ट्री में हुए हैं ज़्यादातर थिएटर के लोग ही, बिल्कुल वही कामयाब हुए। और ऐसा नहीं कि वो बाकी कामयाब नहीं होते, लेकिन उनको समय लगता है, तो इनको समय कम लगता है, ये जल्दी इस पर पकड़ पाते हैं, भाव को जल्दी पकड़ पाते हैं। एक यही कारण है कि थिएटर एक सीढ़ी बन जाता है बाकी मीडिया में जाने के लिए। भारतीय रंगमंच की बात करें, आज के परिपेक्ष में आप भारतीय रंगमंच को किस तरह से देखते हैं, खासकर अगर हम रंगमंच की बात करें जो बाकी रीजनल थिएटर की अगर हम बात करते हैं। तो मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रही हूँ क्योंकि अगर पंजाबी रंगमंच के बारे में हम बात करते हैं तो आपने पंजाबी रंगमंच को बड़ी ही प्रमुखता से आप मेन स्ट्रीम में लेकर आए, जो शायद कहीं अब तक पीछे रह गया था। जी मैं नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार एक बात के लिए हम कमिटेड हैं कि हर साल कम से कम 2 या 3 नाटक हम पंजाबी भाषा में करेंगे दिल्ली में। एक समय था कि दिल्ली के अंदर पंजाबी नाटक बहुत हाथ में हुआ करता था, यहाँ से बहुत से लोग फिल्म इंडस्ट्री में जो यहीं पंजाबी भाषा वाले ही, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री को भी देखें तो पंजाबी भाषा वाले बहुत से आपको एक्टर मिल जाएंगे जो यहीं से दिल्ली से गए हैं या पंजाब से गए हैं। पंजाब का कल्चर बड़ा स्ट्रांग है, पंजाब और बंगाल दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कल्चर बहुत स्ट्रांग है। जितना सूफियानापन है वो सब पंजाब से आपको मिला है, चाहे वो उधर का पंजाब रहा हो या इधर का पंजाब रहा हो। और पंजाब में कलर बहुत है, तो कलर होने के नाते पंजाब के अंदर कल्चर बड़ा स्ट्रांग रहा है। लेकिन जब 47 के बाद दिल्ली में लोग आए, जब रिफ्यूज़ होकर आए, हम मैं भी उसी फैमिली में से था जो पाकिस्तान से हम लोग दिल्ली में आए थे, तो दिल्ली में उस समय पंजाबी रंगमंच बिल्कुल ना के बराबर था, ना क्या बिल्कुल था भी नहीं। लेकिन 47 के बाद 1950 के आसपास आप आते हैं तो शीला भाटिया एक बहुत बड़ा नाम हम सुनने में आता है जो, वो लेकिन वो भी लाहौर से और कश्मीर से होती हुई दिल्ली आई, तो उसने एक ओपेरा नाम का थिएटर शुरू किया जिसमें पंजाब का पूरा कलर हमारे सामने आता था, पंजाब का पूरा कल्चर, पंजाब के पूरे सॉन्ग सामने आते थे, तो एक ओपेरा के तौर पर उसने एक सामने ला के दिया। अब दिल्ली के अंदर से पंजाबी जो पंजाब से या पाकिस्तान से आए थे वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें बना रहे थे, रोटी रोटी में लगे हुए थे। 1955-56 के आसपास जब आप पहुंचते हैं तो कुछ ये लोग जम चुके थे पंजाबी, अब इनको कुछ अपनी भाषा वाला कुछ कल्चर चाहिए था, तो शीला भाटिया ने उनकी उस डिमांड को पूरा किया। शीला भाटिया के शो बहुत हाउसफुल ले जाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता फिर खोसला साहब आए, फिर जसूजा साहब आए, फिर पारतोष गार्गी आए, फिर एक दौर आया सप्रू हाउस नाटकों का। लगभग 12-13 साल कमर्शियल थिएटर से बोला करते थे, दूरथी पंजाबी नाटक से बोला करते थे हम लोग, वो आया, उसने एक डिमांड पूरी की। अच्छा जब 70s के आसपास 72-70 के आसपास पंजाबी लोग काफ़ी रच पुछ चुके थे, अच्छा खासा कमाने लग गए थे, सेटल हो चुके थे, बच्चे स्कूल में जाने लग गए थे, अब वो इस तरह से क्योंकि पंजाब में इश्क मुश्क बहुत है, सूफियाना तक बहुत है, तो सप्रू हाउस ने उनकी उस डिमांड को पूरा किया, उनकी इश्क मुश्क की बातों को पूरा किया।
और दिन में तीन तीन शो हम पंजाबी नाटकों के होते, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे और कई बार तो रात को 9 बजे का भी शो होता रहा, इतनी हाउसफुल जाया करता था। लेकिन दूरथी होने के कारण आहिस्ता 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 वो खत्म होता गया। एक समय ऐसा आया पंजाबी थिएटर बिल्कुल सुनसान था, बिल्कुल दिल्ली में पंजाबी थिएटर बिल्कुल खत्म हो चुका था और लोग इस तरह के नाटक देख के, सपूर हाउस के दूरथी नाटक देख के ऊब भी चुके थे। ऐसे वक्त में आवाज आई थी कि कोई अच्छी कदरों वाला नाटक भी दिखाओ, पंजाबी बहुत रिच भाषा है तो उस भाषा का इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर रहे। तब ऐसे मौके पे डॉक्टर चरणदास सिद्धू एक राइटर हुए थे, वो आए और अपना नाटक लेकर आए, तो मेरी तब तक मेरी उम्र 18-19 साल हो चुकी थी और चूंकि मैं कॉलेज के अंदर मुझे पहला एक्टिंग का अवार्ड पंजाबी नाटक से मिला था, उस समय पंजाबी नाटकों का काम होता था, यूनिवर्सिटी लेवल में पंजाबी नाटक हुआ करते थे, तो मुझे पंजाबी नाटक करने का मौका मिला और चौक सर्कल को हमें पंजाबी नाटक को मिल नहीं रहा था अच्छा खासा, तो हमने चौक सर्कल जो ब्रेथ का नाटक था उसको पंजाबी में ट्रांसलेट किया और उसको हम लोगों ने प्रस्तुत किया, तो मुझे एक्टिंग का और डायरेक्शन का अवार्ड मिल गया, तो मेरे हौसले बुलंद हो गए, मुझे लगा भी पंजाबी नाटक ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैं पंजाबी नाटकों की तरफ जाऊँ। तब डॉक्टर चरणदास सिद्धू का पदार्पण दिल्ली में हो चुका था तो उनके साथ मैं जुड़ा और तब लगभग 7-8 साल या यूं कहो कि हमने 20-21 साल पंजाबी नाटक ही किए। जब पंजाबी नाटक काफ़ी कर लिए तो फिर मुझे लगा कि अब थोड़ा हिंदी और उर्दू की तरफ भी जाना चाहिए। फिर हमने एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम कॉलेज ड्रामा सोसाइटी रखा गया था, हमने एजुकेशनल थिएटर के रूप में जाना चाहते थे जी। तो हमने कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर और टीचर्स को लेकर काम करना शुरू कर दिया और जो बच्चे इंग्लिश में नाटक पढ़ रहे थे हमने उन्हीं नाटकों को खेलना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे खेल रहे हैं तो उनको नाटक समझ आना ज्यादा शुरू हुआ। तो ये एक बहुत अचीवमेंट थी हमारी जिसमें हमने ऑल माय सन्स, मैकबेथ, मिस जूली, मडिया, हाफ वे हाउस, आधे अधूरे, इन सबको इंग्लिश के अंदर खेलना शुरू किया, तो उन्हीं बच्चों के साथ जो बच्चे पढ़ रहे थे। तो जब हम इस बात को देखते, बच्चे से पूछते थे कि आपके एग्जाम में नंबर कितने आए, कहते बाकियों का पता नहीं लेकिन जिस नाटक में हमने खेला उस नाटक में हमें अच्छे नंबर मिले, तो समझ में आना शुरू हुआ। तो फिर इंग्लिश नाटक, हिंदी नाटक, हिंदी नाटकों ने मुझे बहुत नाम दिया, मैंने कोणार्क नाटक जो किया सबसे पहले मैंने कोणार्क मुश्किल सब्जेक्ट उठाया था। इनफैक्ट इसको भी आपने कॉलेजिएट ग्रुप के साथ ही पहले किया था हाँ। और उसके बाद अभी पिछले कुछ सालों में आपने दोबारा से इसको एक तरह से रिवाइव किया, शुरू किया जी। कोणार्क मैंने मुझे कॉलेज ने बुलाया था कि हमारे यहाँ कुछ आप हिंदी नाटक करके करो, तो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट मैंने कहा उठाना चाहिए मुझे, आसान सब्जेक्ट तो कहीं भी कर लो और मेरे पास समय भी है और कॉलेज पैसा भी दे रहा है। तो उन दिनों मैंने कोणार्क नाटक पढ़ा था और मैंने जब उसकी हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे लगा कि कोणार्क नाटक किया क्यों नहीं किसी ने अभी तक। तो मैं उनके परिवार से मिला, जगदीश शर्मा माथुर साहब का लिखा हुआ नाटक था, उनकी जो डेथ हो चुकी थी, उनके परिवार से मिला तो उन्होंने कहा था हम 30 साल से मैंने कोणार्क नाटक नहीं दिखा, उनके परिवार ने बोला, तो मुझे बड़ा अचंभा लगा। फिर मैंने उसमें कमियां देखनी शुरू की तो मुझे कमी तो नहीं लगी लेकिन एक बात लगी, इसमें कोई फीमेल पात्र नहीं है कोणार्क के अंदर, और दूसरा सब्जेक्ट इतना ड्राई है उसमें सिवाय मार धाड़ के और कुछ नहीं है, तो उसमें रस कहाँ से पैदा किया जाए। तो मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया। इस चक्कर में मैं कोणार्क देखने भी गया, कोणार्क को जाके देखूँ कोणार्क है क्या, तो कोणार्क मंदिर में गया, वहाँ मंदिरों के अंदर जब मैंने मूर्तियाँ देखी तो मुझे लगा इसमें सब कुछ है, मूर्तियों के भाव सामने आ रहे हैं और मूर्तियां अपनी बात कह रही हैं, जिस रूप में मंदिर बना है आप अगर मंदिर को देखो उसमें 3 भाग में लगा हुआ है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा जी, इस 3 भाग में उस मंदिर को डिवाइड कर रखा है, पूरा जीवन का उत्कर्ष और जीवन की पूरी लाइफ उसमें दिखा रखी है, और जब 3 चीज इसके अंदर है तो रस तो अपने आप ही होगा। फिर मैंने एक आइडिया लिया कि जो मेरे पास लड़कियां हैं मैं उन लड़कियों को मूर्तियां बना दूं तो मेरे पास फीमेल पात्र भी हो जाएंगे और इन भाव भी मेरे पास आ जाएंगे, रस भी मेरे पास आ जाएगा। तो जब ये आइडिया मैंने अपने कुछ सीनियर लोगों से शेयर किया तो उन्हें कहा ये मास्टर आइडिया है, ऐसा आइडिया अभी तक हमें नहीं आया जिससे क्या मंदिर बनाने की हमें सेट बनाने की जरूरत नहीं है, अब इन मूर्तियों को ही मैं मंदिर बना दूंगा पूरा। और फिर मूर्तियां ही अपनी बात करती हैं, गुस्सा है तो गुस्से में रिएक्ट करेंगी, कोई गलत बात हो रही है तो रिएक्ट करेंगी, प्यार से रिएक्ट करेंगी, करुणा रस इसके अंदर आ जाता है, माँ बेटे की कहानी शुरू होती है, बाप बेटे की कहानी शुरू होती है, तो पीछे मूर्तियां जो है वो माँ भी बन जाती हैं और जब गुस्सा आता है तो चंडी भी बन जाती है। तो ये जब रूप सामने आया तो कोणार्क बहुत सक्सेस हुआ उसमें जी, क्योंकि इसमें शायद बहुत सराहा जी, शायद बहुत सारे लेयर्स भी थे इमोशंस के भी और कई सारे नरेटिव्स भी एक साथ थे। ऐसे में एक और
मैसेज, एक संदेश जो कोणार्क नाटक देता है वो है क्लास डिवाइड और क्लास स्ट्रगल का भी, तो उसको भी आपने इसमें बखूबी उसका भी आपने चित्रण किया, दिखाने की कोशिश की है। राइटर का जो कहना था मैं उसी बात को आगे लेके चला था, हिंदुस्तान बना है मजदूरों के कंधों पर, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। हिंदुस्तान बना है कलाकारों के कंधों पर, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। अगर आप जिंदगी से रस निकाल दें, कलाकारी निकाल दें, ये आप थिएटर वाले लोग निकाल दें, डांसर्स निकाल दें, सब कुछ निकाल दें, तो जिंदगी में क्या है आपके पास? नीरसता। नीरसता। तो अब इनको आप कैसे छोड़ दो? आज जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जितने बड़े बड़े मंदिर हिंदुस्तान में बने, वो किसने बनाए हैं? कलाकारों ने। इन्हीं कलाकारों ने बनाए हैं, उनकी कल्पना से उपजा है सब कुछ, तो इनको हम कैसे जुटला सकते हैं? तो राइटर जो यहाँ पर ही कहता कि कलाकारों के कंधों पर ही टिका हुआ हिंदुस्तान, आप उसको नकार नहीं सकते। मैंने इस बात को प्रमुखता से आगे रखा, कोई कलाकार भेड़ बकरी नहीं है कि जो राजा आए वो अपनी तरफ ले जाए और दूसरी तरफ से खींच ले। कलाकारों का अपना वजूद है और वो वजूद आज नहीं आने वाली ताउम्र तक बना रहेगा। बिल्कुल सर, आपने सर बात की कलाकारों की कि भेड़ बकरियां नहीं है, लेकिन जब भी कभी बात आती किसी भी परिवार में, कहते भी है कि कलाकारों किसी परिवार को आपको गरीबी की तरफ धकेलना तो आप उसको कला से जोड़ दीजिए। ये एक मिथ जो है हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है कि कलाकारों को उस तरह से काम नहीं मिल पाता, वो बाकी लोगों के साथ जो अलग से विरे दूसरे तरीके के लोग हैं उनके साथ जुड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जब आपने परिवार को बताया कि आप रंगमंच की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, तो उनका फिर क्या, किस तरह का रिएक्शन रहा, क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए सर, मेरे साथ तो एक अच्छी बात यह है कि मेरा पूरा परिवार थिएटर में है, और सच बात तो है कि मुझे थिएटर दहेज में मिला है। मैं जब जिस गुरु के साथ जाया करता था तो उनकी 5 बेटियां थी, 1 मैंने ले ली। तो जब बेटी मैंने ले ली उनकी, तो मुझे थिएटर भी मिल गया। मैं डॉक्टर सिद्धू की बात कर रहा हूँ, उनकी बड़ी बेटी, हम लोग नाटक करते थे, पसंद आ गए, और ऐसा ही नहीं हुआ बाकी 4 भी मेरे जैसे कोई लोग ले गए। तो हम लोगों ने, और आज मेरे परिवार के अंदर मेरी बेटी जो इस समय अमेरिका में PhD कर रही है, लेकिन वो मेरे साथ थिएटर कर रही है दिल्ली के अंदर, मेरा बेटा थिएटर कर रहा है, मेरी बड़ी बेटी की बेटी जो है वो भी थिएटर में आ गई है। और एक कमिटमेंट मैंने और मेरी परिवार ने ये ले रखी है कि हम साल के अंदर 3 या 4 नाटक पंजाबी भाषा में जरूर करेंगे, क्योंकि पंजाबी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। हाँ, ये सच है, पैसा नहीं है थिएटर के अंदर, इसलिए परिवार लोग जुड़ना मुश्किल हो जाता है। दो हाथ, दो अर्निंग होंगे, एक घर चला ले, एक कलाकारी पूजा कर ले, तब तो है, नहीं तो थिएटर करना बहुत मुश्किल काम है। थिएटर में पैसा नहीं है, आपको घर फूक तमाशा देखना होता है, तो घर फूक के जो तमाशा देख सकता है वो थिएटर करे, जो नहीं देख सकता वो, उसके लिए थिएटर कुछ नहीं है। लेकिन बदलाव आ रहे हैं सर, अब ऑडियंस की बात करें तो पहले हमने जब हम पैदा हुए थे उस वक्त शायद इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब कैसे डिजिटल हो गया है वर्ल्ड, तो हम लोग ज़्यादा कनेक्टेड रह पाते हैं, हमें ज़्यादा जानकारी है कि कहाँ पर क्या कुछ चल रहा है थिएटर से रिलेटेड। हाँ, इन्फॉर्मेशन आप दूर तक जा रही है, मीडिया बहुत स्ट्रांग है इस बारे में, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, इन्फॉर्मेशन जा रही है, लेकिन फिर भी लोग थिएटर देखने वाले वही लोग हैं जो आज 25 साल पहले थे या 50 साल पहले थे, उन्हीं की पीढ़ी जो है वो थिएटर देख रही है, नए दर्शक जुड़े हैं, ज्यादा जा रहा है। नए दर्शक जुड़े हैं, लेकिन अभी टिकट वाले नहीं जुड़े। बिल्कुल, टिकट वाले नहीं जुड़े, सभी लोग फ्री में देखना चाहते हैं। सिनेमा देख लेंगे 2,000 रुपए के टिकट लेकर, लेकिन जब थिएटर की बात हो यार कुछ पास दे दो तो ये चलता, तो ये अब हमें भी चाहिए, ऑडियंस तो चाहिए, तो ठीक है, लेकिन बहुत बदला है। अभी मैंने अभी हलाला एक नाटक किया है, तो मैंने ये सोचा था कि मैं कोई पास इश्यू नहीं करूंगा, टिकट ही बेचूंगा, तो मुझे अपनी कसम तो तोड़नी पड़ी, लेकिन उतनी नहीं तोड़ी जितनी मैं सोच सकता था कि इतनी टूटेगी। तो टिकट लेने वाले, अच्छा नाटक हो, अच्छे सब्जेक्ट हो, तो दर्शक हैं, टिकट बिकती भी है। बहुत बड़े बड़े कलाकार सर हमें मिले हैं थिएटर से, और बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय सिनेमा को एक ऊंचे मुकाम तक लेकर जाने का, थिएटर आर्टिस्ट का। हम बात करते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, राजकुमार राव है जी, लोग कंगना रनौत है, नसीरुद्दीन शाह है, और ओमपुरी, बहुत सारे कलाकार जो उठकर जगह हैं, जो यहाँ से गए हैं, और शायद कहें कि कहीं ना कहीं जो अदाकारी का जो लेवल है जो उनका है वो शायद उन लोगों में नहीं मिलता, बाकी में नहीं है, क्योंकि एक बेस आपका पक्का हो जाता है, वहां जाके जो भी सीखते हैं उससे पहले जाएंगे सीख के जाते हैं, एक बेस बहुत मजबूत है। जब बेस मजबूत है, जब देखिए स्क्रिप्ट को समझने की ताकत एक थिएटर एक्टर के पास बहुत अच्छी होती है, स्क्रिप्ट ही है जो आपको आगे लेके जाती है, तो
तो उसको समझना ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और थिएटर के लोगों को समझ आ जाती है, क्योंकि हम लोग 30-30 दिन 40-40 दिन जो प्रैक्टिस करते हैं तो उससे मैं तो कहता हूँ एक थिएटर करने वाला जो है अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होता है जी। शायद थिएटर एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर वो आप सभी किरदार निभा जाते हैं जिससे शायद वैसे आप कभी वाबस्ता नहीं रहे, है ना। तो कई ऐसे आपने भी किरदार निभाए हैं और कई ऐसे किरदारों को आपने मंच पर भी उतारा है, अगर हम भगत सिंह की बात करें, हम अलेक्जेंडर की बात करें, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कोई ऐसे किरदार हैं जिनको आप निभाना चाहेंगे या आप डायरेक्ट करना चाहेंगे? अब सिकंदर जैसे आपने बात की है या गालिब की मैं बात करता हूँ, गालिब जैसे हम गालिब को अभी तक जब तक मैंने नहीं पढ़ा था अच्छी तरह से नाटक करने के लिए, तब तक मुझे लगा था कि गालिब वही है, आम खाने वाला, चुटकलेबाज, शराबी, तबायब के कोठे पे जाने वाला, इस तरह का हमें एक पात्र लगा था। लेकिन जब मैंने गालिब को अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश की और देखा कि गालिब वो नहीं है, गालिब के बारे में कहा था कि वो तबायब के कोठे में जा रहा है क्योंकि बीवी से उसको प्यार नहीं था। अरे एक एक करके 7 बच्चे उसके हुए हैं और 7ों के 7ों कोई घुटनों के बल चल के मर गया, कोई थोड़ा सा चल के मर गया, 7 बच्चे उसने अपने हाथों से दफनाए हैं जी। ऐसे आदमी के अंदर क्या संवेदना नहीं होगी, क्या अपनी बीवी से प्यार नहीं करेगा? एक दर्द था गालिब के अंदर, वो दर्द गालिब ने अपने गज़लों के सामने लाया। लेकिन गालिब ने कहीं लिखा, मैं पढ़ के बहुत हैरान था, कि अगर मेरी गज़लें सामने वालों के अंदर हौसला नहीं पैदा कर सकती, अगर मेरे शेर पढ़ने वालों के अंदर हौसला नहीं पैदा कर सकते तो मैं क्यों लिखूं, मैं खुद कितना डिप्रेस में रहूं, लेकिन मेरी जो लेखनी है वो लोगों के अंदर हौसला पैदा करे। तो मैं कोशिश करता हूं ऐसे पात्र चुनने की जो दर्शकों के अंदर हौसला पैदा करे। इसलिए मेरे सभी नाटक जितने भी मैंने किए हैं वो सब एक सोशल सब्जेक्ट के ऊपर होते हैं, औरतों के ऊपर होंगे या फिर ऐसे सब्जेक्ट जो हमारे हिंदुस्तान को खा रहे हैं, या वो कट्टरपंथी लोग हैं या फिर जात पात है या गरीबी है, ये 3 चीज़ें ऐसे हिंदुस्तान को जो ख़त्म कर रही हैं। तो मेरे नाटक ज़्यादातर इसी के आसपास घूमते हैं, एक औरत कैसे फाइट कर रही है, मेरे नाटक चन्नो बाजीगरनी अपने में किया, बाजीगर लड़की है, उसकी अपनी एक लाइफ है, वो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन जो उसकी बिरादरी है वो उसको उस धकेले में यहीं रहे, लेकिन वो कैसे संघर्ष करके आगे बढ़ती है और पुलिस अफसर बनती है। रवि जी आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि आप यहाँ आए, आपने हमसे इतनी सारी खूबसूरत बातें जो हैं शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आगे बढ़ेंगे हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो कि हर 30 जनवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो कि आम भाषा में लेप्रोसी को हम कुष्ठ रोग कहते हैं, तो कुष्ठ रोग के बारे में जो भ्रांतियां हैं कुष्ठ रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो कैसिनोवा सोसाइटी है उसके अलावा निपन फाउंडेशन है, उन्होंने एक ग्लोबल अपील 2019 कार्यक्रम का आयोजन किया और उस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के मन में कुष्ठ के प्रति जागरूकता पैदा की और जो भ्रांतियाँ हैं दूर की, उसी पर पेश है एक छोटी सी रिपोर्ट। कुष्ठ रोग एक संक्रामक बीमारी है जो धीमे गति से विकसित होने वाले बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण बढ़ती है। इसी अवसर पे द निपन फाउंडेशन एंड सस्कावा इंडियन लेप्रसी फाउंडेशन ने मिलकर 14th एनुअल ग्लोबल अपील का आयोजन किया, जहां पर उनका एम था टू एंड द स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल अफेक्टेड बाय लेप्रसी। हर साल मिस्टर सासाकावा मार्टर्स डे पर एंटी लेप्रसी डे भी जो है उस पर एक ग्लोबल अपील लॉन्च करते हैं, जिसमें वो एक प्रार्थना करते हैं सबसे कि सब लोग मिलकर ये प्रण लें कि वो लेप्रसी या कुष्ठ रोगियों के प्रति कोई शोषण या भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि आज समाज में दवाइयां तो हैं, इलाज है, अब ये भी साबित हो गया है कि कुष्ठ रोग का पूरी तरीके से इलाज हो सकता है। हम लोग मौका देते हैं आर्थिक और तकनीकी सहायता के द्वारा कि वो अपना कारोबार शुरू कर लें और अपने पैरों खड़े हों। लेप्रोसी में एक समस्या है कि लोगों को ना तो दर्द होता है और ना ही बुखार होता है, और लेप्रोसी में एक समस्या और है कि ये जो जिन लोगों को लेप्रोसी हो जाती है उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है और स्टिग्मा भी होता है, तो
तो इसकी वजह से भी लोग जो है सामने नहीं आते, इलाज करवाना करवाने के लिए नहीं आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है लेप्रोसी के अंदर कि हम इस डिस्क्रिमिनेशन को कम करें, लोगों को जागरूक करें, लोगों में इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल 30 जनवरी को द वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। टुडे वी हैव द 14th ग्लोबल अपील टू कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड एन अवेयरनेस ऑन लेप्रोसी। नो फाइट इज ए वन मैन शो, बट विजन इज इम्पॉर्टेंट। It was the vision of Honorable Yohei Sasakawa to bring in multiple stakeholders under one umbrella of global appeal to raise a joint voice against stigma and discrimination facing by us. To commemorate Gandhi's lifelong care and compassion for persons affected by leprosy while advocating inclusion and rejecting discrimination. The national prevalence of leprosy has dramatically declined here in India in recent years due to the efforts of all the stakeholders. Yet, it is an undeniable reality that India still accounts for 60% of new cases discovered world today. For this, the government of India, under the strong leadership of Prime Minister Narendra Modi, established an ambitious goal of making India free of leprosy as a disease and stigma by 2030. The global appeal to end stigma and discrimination against persons affected by leprosy. This global appeal being repeated in India, apart from other parts of the world, is also a good movement for awareness, for awakening. Many of the groups working for removal of leprosy came to me and said that in many of the marriages laws, there is still a provision that if one of the spouse suffer from leprosy, it can be a ground for divorce. This was a pre-independence laws. I said it is plainly unacceptable. This is completely violative of human dignity, that an ailment which is curable continues to be a ground for divorce and separation in the laws of India. I'm happy to tell you that in the last session, we have got the law passed by the Lok Sabha, completely changing all these laws and waiting for passage in the Raj Sabha, whereby leprosy as a ground of divorce no more exists. Many of the good NGOs are working in various fields trying to remove these disabilities. They are unsung heroes of this great movement. I would like the anti-leprosy campaign to identify those unsung heroes who, without any reward, without any recognition, without any incentive, out of their own commitment, are working in the rural areas, in the semi-rural areas, in the various marginalized basties of India, in quest of that change. The Nipun Foundation and Sasakawa Foundation ने जो मिलकर ये initiatives लिए हैं, ऐसे initiatives बार बार होने चाहिए ताकि लोगों में awareness बनी रहे। गुड इवनिंग इंडिया के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का यह अंक आपको कैसा लगा। हमारा ईमेल आईडी है good evening india.dd@gmail.com।
और जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।